सिमट के बाद अभी अगला मरहला इसको आ जाता है टेस्ट ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कौन से टेस्ट किए जाते हैं? इसमें सबसे पहले है डिटरमाइन क्ले परसेंटेज इन सैंड, क्ले की मिकदार कितनी होनी चाहिए सैंड के अंदर, उसके लिए टेस्ट करते हैं। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बाय सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस करते हैं, पार्टिकल के साइज को चेक किया जाता है। अभी एग्रीगेट है तो उसका साइज कितना होना चाहिए इस कंक्रीट के लिए, तो उसके लिए दो किस्म की सीव इस्तेमाल की जाती है। अगर फाइन एग्रीगेट है तो उसके लिए ये छोटी सीव इस्तेमाल की जाती है फाइन एग्रीगेट। और इसी तरह अगर कोर्स एग्रीगेट है तो उनके लिए, क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं, इनके लिए ये बड़ी सीव का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला प्रैक्टिकल है डिटरमिनेशन ऑफ वर्क डेंसिटी एंड वॉइड्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट जो उनके अंदर कितना खला है उसको देखा जाता है, उनकी डेंसिटी मालूम की जाती है कि साफ़त मालूम की जाती है। इसके लिए हम ये बल्क डेंसिटी और वॉइड्स एग्रीगेट मालूम करते हैं। उसके बाद फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इलोंगेशन के लिए लेंथ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंथ गेज, इसमें एग्रीगेट के पत्थरों को हम इस रुख से गुजारते हैं ताकि अगर जो पत्थर लंबुतरे हैं, लंबे हैं, उनका इस्तेमाल 15% से अगर ज़्यादा है तो उसका एग्रीगेट में, कंक्रीट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इनके साथ कोई बांध नहीं बनता। उसके बाद फ्लैकीनेस, अगर चपड़े एग्रीगेट हैं उनको इस रुख से गुजारा जाता है इन सुराखों में से, और उनको देखा जाता है जी कितने, ये अगर ये भी एग्रीगेट 15% से ज़्यादा हों तो इनको भी कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि एग्रीगेट का एक कमज़ोर एग्रीगेट होते हैं और इनका आपस में बॉन्ड नहीं होता। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, ये एग्रीगेट का आखिरी टेस्ट है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं एग्रीगेट की, और पानी जज़ब करने की, एग्रीगेट में पानी जज़ब करने की कितनी सलाहियत होती है उसको देखा जाता है। कोई भी एग्रीगेट पानी से कितना गुना वजन रखता है या हल्का है उसको देखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम की जाती है और पानी की मकदार मालूम की जाती है कि एक एग्रीगेट कितने परसेंट पानी को जज़ब कर सकता है, पी सकता है। उसके बाद अगले टेस्ट आ जाते हैं टेस्ट ऑन कंक्रीट, तीसरा हिस्सा इसका टेस्ट ऑन कंक्रीट। इसमें स्लम टेस्ट है, उसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेस्ट ऑन कंक्रीट में सबसे पहले स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट में इस स्लम कौन को इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ये बेस प्लेट और टैंपिंग रॉड। इसका स्लम कौन का मकसद वर्कबिलिटी मालूम करना, वर्कबिलिटी मालूम करना कंक्रीट की, ताकि कंक्रीट जो हम तैयार करते हैं उसकी तैयारी, उसकी साइड पर जाके प्लेसिंग, फिनिशिंग, इन सब चीज़ों को कंक्रीट ऐसी तैयार होगी ये सारी चीज़ें आसानी से हो सके वर्कबिलिटी। उसके बाद कंप्रेशन फैक्टर, ये भी इसी, इसका भी मकसद वर्कबिलिटी मालूम करना होता है, 100% कंपैक्शन करके वर्कबिलिटी मालूम करना होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सिलेंडर एंड कंप्रेशन टेस्ट, सिलेंडर की तैयारी करते हैं कंप्रेसर स्ट्रेंथ के लिए। सिलेंडर हाइट इसकी 12 इंच और डायज का 6 इंच, इसको कंप्रेसर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनके दबाव की, कंक्रीट की दबाव की ताकत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्यूब फॉर कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट, क्यूब
इस्तेमाल किया जाता है, ये भी दबाव की ताकत मालूम करने के लिए, कंक्रीट में दबाव की ताकत मालूम करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें सिलेंडर और क्यूब, बाज़ प्रोजेक्ट में सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, बाज़ प्रोजेक्ट में क्यूब इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों का मकसद एक ही होता है। अगर हम इसमें स्पेसिफिकेशन में फ़र्क होता है बस, इस वजह से जो प्रोजेक्ट जिन प्रोजेक्टों में क्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा हो वहाँ पर क्यूब ब्रिटिश स्टैंडर्ड में क्यूब इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम सिलेंडर को इस्तेमाल।